नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटी है, तभी से पाकिस्तान सारा काम छोड़कर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगा है। उधर पीएम मोदी भी कश्मीर पर तमाम बड़े देशों का समर्थन जुटाने में लगे हैं, जिससे कोई भी देश कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ पर यकीन न कर सके, और हो भी यही रहा है। बेचारे पाकिस्तान को चीन तुर्की के अलावा किसी भी देश का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसे में हर जगह मूकी खाने वाले पाकिस्तान का आखिरी सहारा राहुल गांधी और कांग्रेस ही बची है। ऐसा हम नहीं कह रहे, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है। राहुल के वो बोल जिसे पाक ने बनाया हथियार। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 अगस्त को कश्मीर मसले पर एक ट्वीट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा था, जम्मू और कश्मीर के लोगों को आजादी मिलने के 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहां नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया है। जब हमने श्रीनगर आने की कोशिश की तो विपक्ष और प्रेस के नेताओं को रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों पर किए जा रहे कठोर बल प्रयोग और प्रशासनिक क्रूरता का एहसास हुआ। उस वीडियो को भी सुनिए जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। I was invited by the governor. We wanted to go and see the people, get a sense of what the people are going through, and try and help with the situation if possible. Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. It's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir. पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी के इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया गया। इसके बाद पाकिस्तान के नेताओं ने भी राहुल के इस बयान को प्रमुखता से लिया और बयानबाजी की। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी ने लोगों की मौत का जिक्र किया है। कश्मीर में एक पत्ता भी टूट जाए तो यूनाइटेड नेशंस भागने को तैयार रहने वाला पाकिस्तान राहुल गांधी के इस बयान के भरोसे फिर से यूएन पहुंच गया है। शिरीन मंजारी ने पाकिस्तान की ओर से यूनाइटेड नेशंस को लिखे पत्र में कहा है कि भारत के मुख्यधारा के राजनेताओं जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने स्वीकार किया था कि जम्मू कश्मीर में लोग मर रहे हैं, वहां बहुत गलत हो रहा है। राहुल और कांग्रेस पर गिरिराज का हमला। पाकिस्तान ने जैसे ही राहुल गांधी के बयान को यूएन में शिकायत करने के लिए जरिया बनाया, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर जगह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का आखिरी सहारा राहुल गांधी और कांग्रेसी ही बची है। अपने बयानों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां पाने वाले राहुल गांधी ने जैसे ही देखा कि उनके बयान को पाकिस्तान ने यूएन में हथियार बना लिया, तो उन्होंने ट्वीट कर सफाई देते हुए कहा कि मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से असहमति रखता हूं, लेकिन मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और पाकिस्तान या दुनिया के किसी देश के लिए इसमें दखल देने की कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर में हिंसा पाकिस्तान प्रायोजित है, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का समर्थन के रूप में कुख्यात है। राहुल की सफाई पर गिरिराज सिंह ने फिर ट्वीट कर तंज मारा और कहा कि ये डिस्पेंसरी से एक बैंडेड चोरी करने और एक बंदूक की गोली के घाव पर चिपकाने की तरह है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को बहुत जख्म दिए हैं। पाकिस्तान के खत में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। महबूबा के हवाले से लिखा गया है कि इन नेताओं ने आर्टिकल 370 हटाने को कश्मीर के लिए काला दिन करार दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन दोनों नेताओं समेत करीब 2300 और लोगों को भी कश्मीर में नजरबंद किया गया है। ये तीन वाक्य राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि थिंग्स इन जम्मू कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल डाइंग इन जम्मू कश्मीर। कहां से जानकारी लाई राहुल गांधी? यू वेर वेरी रॉन्ग। कश्मीर में बुरी हालात नहीं है। आप जिस तरह से कल्पना करते थे वैसे वायलेंस नहीं हुआ है और लोग मरे नहीं है।
लेकिन ये राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत चला और पाकिस्तान ने जो यूएन को एप्लीकेशन किया है उसमें इसका उल्लेख किया है और उसमें लिखा है कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस सच एज लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हु हैज नोटेड पीपल आर डाइंग इन जे एंड के इन लाइट ऑफ इवेंट्स गोइंग वेरी रॉन्ग. सो राहुल गांधी जी का बयान देश को शर्मसार करने वाला है. जो कश्मीर की वास्तविकता नहीं है वो बोले, जो पाकिस्तान के हाथ में वो खेले और पाकिस्तान ने उसका उद्धरण करते हुए यूएन में एक पिटीशन लगाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में पिटीशन लगाई, पत्र दिया कि कश्मीर में ऐसा चल रहा है और इसका सबूत राहुल गांधी का बयान. तो ये केवल बैंक्रप्सी नहीं है, ये तो दिवालियापन है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है. इसमें यानी मुझे कभी कभी लगता है वायनाड से जीते तो सोच भी बदली और इसके खिलाफ देश भर आक्रोश हुआ. पहले ट्वीट के बाद थिंग्स इन जम्मू कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग और देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस एंड देर आर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल डाइंग इन कश्मीर. ये झूठ बयान पर लोगों का गुस्सा हुआ, देश भर में आक्रोश हुआ, इसलिए कांग्रेस आज बयान से पलटी है और आज उसको कहना पड़ा, राहुल गांधी को आज कहना पड़ा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान और किसी अन्य देश के हस्तक्षेप का कोई जगह नहीं है और जो हिंसाचार जो कश्मीर में करते हैं वो पाकिस्तान प्रेरित है. पूरा यूटर्न, क्योंकि देश भर का आक्रोश था, लोकतंत्र की मांग थी. और मुझे तो आश्चर्य होता है जिन्होंने इमरजेंसी लाई 20 महीने तक, वो आज हमें बता रहे हैं एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, स्थिति ठीक होने के लिए. ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं होता है और कश्मीर के जनता ने स्वागत किया है और वहां विकास की धारा बहेगी, सारे देश के कानून वहां लागू होंगे, सारी देश की योजनाएं लोक कल्याण की लागू होगी. कश्मीर में ये जो परिवर्तन पार्लियामेंट में हुआ है उसका बहुत दूरगामी परिणाम है और इसके लिए ऐसे विषय पर भी जो ओछी राजनीति करते हैं. क्यों गए थे कश्मीर, परमिशन लिए बगैर आप कश्मीर जाएंगे, उद्देश्य क्या था, भड़काने का था. और ऐसे जब जाते हो तो फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को भी आप इस तरह से पीपल आर डाइंग और रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस कहोगे तो वो गलत है. अपने देश के बारे में ऐसा कोई भी राजनेता नहीं कहता जो राहुल गांधी ने कहा है और इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए. और मेरा हमेशा यह है कि मणिशंकर अय्यर की जो सोच है वही कांग्रेस की सोच है. कांग्रेस के कुछ नेता अलग दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन आखिर में यही साबित होता है कि मणिशंकर अय्यर जो कहते हैं वही कांग्रेस की असली सोच है और उसी का दर्शन राहुल गांधी के इस बयान में मिला और उसी के कारण आज उनको देश भर के आक्रोश का सामना करना पड़ा और इसलिए आज बयान से पलटे हैं, मन से नहीं पलटे हैं, परिस्थिति के कारण, दबाव के कारण, जनता के आक्रोश के कारण बदले हैं. कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए.